सीएम योगी ने आज गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया, जिसमें फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम एक एक कर लोगों से मिलते रहे, सबकी समस्याएं सुनी तथा हर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। लेकिन इस बीच जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक व्यक्ति जो फरियादी बनकर जनता दरबार में आया था, जिसे सीएम योगी ने तुरंत जेल भिजवा दिया। अब आपको भी हैरानी हो रही होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सीएम ने एक फरियादी को जेल भिजवा दिया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान पॉक्सो आरोपित एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा दिया। आरोपी गुलरिहा पुलिस की शिकायत लेकर जनता दर्शन में पहुंचा था। डीएम और एसएसपी से आरोपित की स्थिति साफ करने के बाद सीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मौके पर दोनों बच्चों को बाल संरक्षण गृह में भेजने का निर्देश दिया। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि सराय गुलरिहा के रहने वाले राम नारायण गुप्ता ने सीएम को कहा कि गुलरिहा पुलिस उसे परेशान कर रही है। तभी पास में बैठी राम नारायण से पीड़ित दो नाबालिग अनाथ बच्चियों ने बताया कि राम नारायण उन्हें परेशान करता है। उसने उनका मकान धोखे से रजिस्ट्री करा लिया है, जिसके वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले के बारे में डीएम और एसएसपी से जानकारी ली। यह मामला डीएम एसएसपी के पहले से संज्ञान में था, इसलिए मुख्यमंत्री को राम नारायण पर पॉक्सो लगाए जाने की जानकारी मिल गई। फिर तो मुख्यमंत्री खफा हो गए और उन्होंने तत्काल उसे हिरासत में लेने का निर्देश दे दिया। साथ ही जिलाधिकारी गोरखपुर को निर्देश दिया कि वह दोनों अनाथ बच्चियों को बालिका संरक्षण गृह भेजने का इंतजाम करे। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में गोरखपुर और आसपास से आए करीब 150 लोगों की फरियाद सुनी।